की कॉल थी और आज सभी गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, सभी बिरादरी साथ में, तो आज क्या कुछ फैसला हुआ है? फैसला ये हुआ है जी, जो गांव जाना में बाबा साहब की स्टैचू के लेके जो विवाद चल रहा था ना गांव में, गांव का भाईचारा देखते हुए हमने एक सोचा जी भाईचारा ना खराब हो, कि गांव में कोई विवाद हो, दंगा पड़ के, हम ये चाहते हैं कि शांति रहे। प्रशासन ने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है जी, और गांव ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जब भी तुम्हारा कोई भी इस ज़मीन से रिलेशन है तो हम तुम्हारे साथ लगकर तन मन धन से और हम इस ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। तो आज जो बातचीत हुई है, कोई इसमें अपनी शर्त भी रखी है अच्छा, आपने? हम सभी जितने भी बाहर के साथी हैं जिन्हों को कॉल मिली थी, हम ये चाहते हैं कि भाई गांव में भाईचारा ठीक है और ये कॉल हम हमारी वापस लेते हैं कि भाई गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव बाहर का व्यक्ति गांव में ना आए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असीन है जी। आसीन है सर। हाँ जी, क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसको, मतलब रोकने के लिए, जो कल की जो कॉल है? फैसले क्या है जी, बस बोल दिया कि भाई नहीं, अच्छा कुछ भाई जा रहा है, अच्छा भाई जा रहे जी और गांव में ना आए, क्योंकि जी विवाद ज़्यादा बड़ा हुआ है और इससे ज़्यादा और भी हानि हो सकती है जी, हमने यही फैसला लिया है जी। जो ये मीटिंग अभी रखी गई है रात में उजाना गांव में, तो इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से समाज के लोग हैं? छत्ती बिरादरी। हाँ जी, हाँ जी। सर, कुछ आपने मांग रखी है, कोई मतलब आगे मांग रखी है, जिस बात को लेकर सहमति बनी आपने? मांग तो यही है जी, बस उस जगह की मांग है जी हमारी, प्रशासन ने भी मांगे मानी है और गांव ने भी हमारा साथ दिया जी, भाई कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी जो गांव के दूसरे लोग, वो भी सहमत है इस बात हाँ से? जी, हाँ जी, सहमत है जी, छत्ती बिरादरी नहीं, सहमत दूसरे है। लोग कौन सर? गांव के सभी लोग ही नहीं जी, छत्ती छत्ती बिरादरी को बिरादरी बोल दिया तो छत्ती छत्ती बिरादरी हमारे बिरादरी चारा। एक बार आ जाओ, का से हो गए। सरपंच साहब, आज क्या कुछ फैसला हुआ है आज के दिन? आज मीटिंग कमेटी के साथ फैसला हुआ है कि जो भी ग्राम पंचायत से बनेगा, हम इनका साथ देने के लिए पूरा तैयार है। लीगल तरीके से जो भी प्रोसीजर चलेगा, ग्राम पंचायत की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, कोई प्रस्ताव डालना पड़ेगा, कोई लेटर पैड पर लिखे देना है, तो हम उनको इनको जमीन दिलवाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। और वास्तव में इनके पास जगह की बड़ी दिक्कत है, जिसमें मरगत के लिए या किसी शादी ब्याह के लिए तो इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनको ज़मीन मिले, ताकि वहाँ पर अंबेडकर भवन या कोई कम्युनिटी भवन बनाया जा सके। तो कल का जो मामला था, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, हाँ और आपसी जो बार चारा पहले था आपका, ठंडा गांव था, वैसे ही आप दोबारा कायम हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है सर, आप आगे। प्रधान जी, खाप के प्रधान है आप, तो ऐसे में आज क्या कुछ फैसला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, सभी ने एक एक करके बता दिया है सभी लोगों ने, तो अभी क्या कुछ फैसला हुआ है? मेरा नाम रोहतास है, मैं उजाना खाप का प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ पर सारे गांव की छत्ती बिरादरी की और प्रशासन की मीटिंग थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ है भाई, जो जो अपने जो ये भाइयों की अपनी मांग थी, उसमें सारा गांव पूरा सहयोग करेगा, छत्ती बिरादरी इनके साथ है। ठीक है सर। सर नमस्कार जी। सर, काफी दिनों से विवाद चला हुआ था और आखिर में जो कसमकस चली हुई थी, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि जो इस मामला है शांत हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल था, तो ऐसे में बाहरी लोग इसमें इंटरफेयर ना करें और आपसी भाईचारे से ये काम को सुलझाया जा सकता है इस मामले को, तो ऐसे में प्रशासन की भी अहम भूमिका रही है, तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहेगा आगे के लिए, जैसे ये आज जो मांग पत्र हो, ये जो भी इनकी सहमति मांग। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, ये आसीन है जो इसकी टीम का, और जो यहाँ पे सज्जन लोग आए हुए हैं, बलबीर जी आए हुए हैं, जिले सिंह जी आए हुए हैं, सतबीर जी आए हुए हैं, और जो बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं भी जानता वो भी आए हुए हैं, गांव के युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उन्होंने एक बड़ी ही सूझबूझ का परिचय दिया है इस मामले को, जो कि मैं शुरू से ही देख रहा था। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया, बाकियों को क्यों नहीं ये समझ में आ रही थी छोटी सी बात, कि गांव तो सारा ही हेल्प करने को तैयार था,
बट कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो गया आपस में, मतलब उतना भरोसा नहीं रहा और ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। जहाँ तक बाहर के जो लोग थे, बाहर के कोई विदेश के नहीं है, आस पड़ोस के जिलों के ही हैं, वो भी कुछ मदद ही करने आए थे इनकी। मुझे लग रहा था लीगल एंगल से वो कुछ मदद करेंगे, लेकिन उनके मदद करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ और ही एंगल उसको दे गए, और ही रंग दे गए। शुरू में इनको कुछ राउंड अप कर लिया गया था क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, तो राउंड अप ही किया था, कोई हमने अरेस्ट नहीं किया था, और उसी दिन शाम को रिलीज भी कर दिया था। तो उससे कुछ दूसरी भावना मतलब लोगों में आ गई, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी बिल्कुल सही हो गया, इनकी समझ में आ गया है यासीन वाले टीम को। और प्रशासन ने भी डीसी साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई थी जिसमें एडीसी जो जींद है वो उसको चेयर कर रहे थे, उनकी जगह में कल सीईओ जिला परिषद आए थे, आज भी आए थे, वो इनसे मीटिंग करी थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने संतुष्टि उनको दी है कि हर पहलू की जांच की जाएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो भी कुल मिला के हुआ वो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इस मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे थे, तो एक होता है ना कि काफ़ी लंबे समय तक जब हमें सफलता ना मिले किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक ये आ जाता है कि भाई विफलता इतनी मिल रही है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं शायद ये इस तरह का शेप इस पूरे मामले को मिल गई। पर अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी जातीय रंग इसको देने की कोशिश ना की जाए, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है। और जो बाहर वाला जिनको बोला जा रहा है वो भी उनको जिस तरह से वो हेल्प करने आ रहे थे, उनके बिना उनको बेटर हेल्प मिल जाएगी, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इस मामले में बीच में आके ना पड़े। वो बाहर से लीगल कोई हेल्प करनी है तो एडवाइस करें, गाइड करें, किसी मंत्रालय में उनकी फाइल अटकती है तो उसमें हेल्प करें, तो और वो पढ़े लिखे हैं जो आ रहे थे, ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार हैं, तो वो समझेंगे इस बात को। और यहाँ सारे ही, जैसे उन्होंने गांव वाले भी कह रहे हैं, 36 बिरादरी वाले जितनी भी होती हैं, 36 होती हैं चाहे 40 होती हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, तो हर कोई इनके साथ में है। सरपंच हैं जो अभी मौजूदा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इनको सच में ही कमी है जगह की, तरह तरह की इनके जो भी फंक्शंस होते हैं सबके होते हैं, तो इनका जो पड़ोस में वहाँ पे वो जगह खाली है, उन उसमें कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो एक अप्रूवल के बाद बने। तो कुल मिला के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिले सिंह जी का, वीर जी का, मास्टर बलबीर जी का, और भी बहुत, आई एम सॉरी कि मेरे को सबके नाम ध्यान नहीं है, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, सचो हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी बाहर, आपको गांव वाले उसका सहयोग काफ़ी कर रहे थे उनका तरह तरह से, तो उनका भी गांव वालों का सबका धन्यवाद। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों तरफ से कमियां रही थी, किसी ने जाति के बारे में बोल दिया, किसी ने नहीं, तो आगे से ऐसा ना हो, कोई किसी किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी ना करे, कोई गलत ना बोले, तो इसको लेकर भी प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं। आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये तो हर घर की कहानी होती है, आप अपने घर में ही ले लो, मेरे घर में, अपने घर में ले लो, छोटी सी आपस में कुछ, आप दो भाई का ही झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे को वो झगड़े का जो मेन रीजन है ना उसको क्लियर नहीं करेगा, वो तीसरे को जाके बताएगा, हस्बैंड वाइफ का ही ले लो, जिस दिन वो तीसरे को जाके बताएगी ना या बताएगा उसी दिन क्लेश होना है, तो वो एक दूसरे को ही बता के दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मान लिया एक्स कम्युनिटी ने वाई के बारे में कुछ लिख दिया, एक बंदे नहीं लिखेगा शुरू में, तो वो जाके उससे पूछ ले भाई, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये वजह बता दे बस किस लिए लिखा है, वो नहीं समझे तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो कम से कम 99% में तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट होता है, उसको दूर कर लिया जाए टाइमली। सर अब ये मान लिया जाए जो उजाणा गाँव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर जो एट्रोसिटी जो झगड़े हुए थे वो अब शांत है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पहलू इसमें गंभीरता से और माइक्रो लेवल पे देखे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। फिर भी किसी के मन में शंका हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर कोई ओपन है 24 घंटे, कभी भी कांटेक्ट करिए। और गांव में मुझे तो संतुष्टि है कि गांव में अच्छा माहौल है, और जैसे एक हमारे पंचायती पर्सन कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हजारों में एक आध तो कबाड़ी हो ही जाता है, तो वो अपने ही घर का सदस्य है, उसको तरीके से समझाया जाए अगर कहीं पे ऐसा कभी नजर अभी आता है तो सर एक बड़ी बात यह है, जैसे युवा है, युवा से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि युवा को समझाना जरूरी होता है, तो ऐसे में नहीं, बिल्कुल युवाओं को, जैसे हमने एक शांति कमेटी बनाई थी, उसमें भी कुछ लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और उजाणा गांव की तो दूर दूर तक मतलब एक पब्लिसिटी हो चुकी है अच्छे कामों की वजह से। यहाँ पे मेरे ही नाम राशि हैं, चहल जी, कुलदीप सिंह चहल हैं, वो DIG हैं मौजूदा, IPS ऑफिसर ही हैं, तो
तो उनका मुझे पता लगा, उन्होंने इतने प्रयास किए हैं, प्रयास नाम से एक सोसाइटी यहाँ बनी है, और मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसी इनिशिएटिव को मैं अपने गांव में भी मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक छोटा सा बना रखा है, वो मैंने उनका कॉपी किया है। तो ये गाँव तो इतना अच्छा है, तो मैं बाकी गाँव वालों को भी बोलता हूँ कि, और रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि भाई इनको कुछ जो मदद चाहिए, दिक्कत हुई है उसमें आप लोग भी सब इनका साथ दो, है ना। ये भी यहीं इसी गांव से हैं, तो जो ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है इसको जल्दी से ख़त्म करो। तो सर, रजत कल्सन ने जैसे पूरे मैसेज दिया था उन्होंने वीडियो के माध्यम से, क्या उनसे भी इस मामले में बात हुई थी? उनसे मेरी बात 2 दिन पहले हुई थी, जब वो इस गांव में ही आए हुए थे, तो उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने भी रखी गई थी। और आज जो है उन्हीं के एक सहयोगी हैं, उनको मैंने पर्सनली कॉल करके बोला है, और उनसे तो मुझे संतुष्टि मिली है कि वो भी हमारे जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, एक तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हुआ है, उससे वो एग्रीड है। लेकिन फिर भी कल हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम किसी भी कीमत पे उजाना में ही नहीं, कहीं भी कोई भी शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो उसको अच्छे से सख्ती से निपटेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं। मेन बात ये थी जी, गाँव के लोग नहीं आ रहे थे अभी, जैसे सभी लोग 36 बिरादरी के लोग कैमरे के सामने हैं, और सभी ने भी ये बोल दिया कि महाराज किसी भी प्रकार का कोई अभी मसला बाकी नहीं रहा, तो ऐसे में अभी भी कोई बात बाकी नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल बाकी नहीं रही है। अब तो अगर कोई आता है फिर वो बेवकूफ़ी दिखाता है, अगर कोई इस मसले को उठा के और बिगाड़ेगा, वो गाँव का भाईचारा बिगाड़ेगा, इस मुद्दे को और पीछे धकेलेगा। जो ये नज़दीक हैं अपने, मैं तो यही कहूँगा कि वो एक अच्छा, उन्होंने एक मोटिव लेके वो आगे चल रहे हैं, सच में ही उनको ज़रूरत है, मैंने भी पर्सनली देखा, तो वो एक तरीके से उनको मिल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर एक और रिक्वेस्ट, भाई बाहर के लोग ना आए अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि हाँ, ये ख़त्म हो चुका है मामला। हाँ बिल्कुल, ये तो बार बार बोल ही दिया है कि बाहर के जो तत्व हैं वो इसको अननेसेसरली इसमें घी डालने का आग में काम ना करें, और बस उनका ना आना ही इस मामले को मतलब ठंडा रखेगा, और जो उनकी लड़ाई है इस ज़मीन को लेने की प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, उसको उनको मदद मिलेगी उसमें, अगर वो नहीं आते हैं तो, आते हैं तो वो कचरा करेंगे। सर कल उनकी कॉल है, अभी कल वो आएंगे, अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापना करेंगे, तो इसका क्या रहेगा सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, माहौल बिगड़ने की भी इसमें आशंका रह सकती है, सर कुछ शरारती तत्व होते हैं सर, हर कास्ट में, हर समाज में होते हैं सर, उसको उन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कितना सतर्क रहेगा सर? हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं, हमारी फोर्सेस को हमने जो है अलर्ट किया हुआ है, और ड्यूटीज ऑलरेडी असाइन की हुई है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने। मतलब अगर, मतलब गांव का मसला तो देखो खत्म हो चुका है, लेकिन अब रहेगी बात बार की, अगर बार के भी आते तो क्या प्रिपेयर है अपना पुलिस? बिल्कुल प्रिपेयर है, हम उनको डिटेन करेंगे, गांव में इस तरह में एंट्री नहीं करने देंगे। कोई अच्छे काम के लिए आता है, लेकिन कल ही अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, पहले तो यही गांव राम इकट्ठा है, कोई किसी प्रकार का जाति बात इस पर गांव राम ने ये फैसला लिया इसका भाई, ताकि बाहर के लोग ना आए। इसमें आज पंचायत भी हुई थी, खाप पंचायत भी हुई थी, खाप पंचायत होने के बाद भी यही निर्णय निकले कि भाई जो बाहर के लोग हैं, भाई जैसे शांति बनाने का काम करें, वो काम में ना आए, और क्योंकि भाईचारा के हिसाब से ही ये जाति पाति का जो जर बोला जा रहा था, ये आपस में मिलजुल के समाधान निकला। सरपंच साहब आपको अपील करेंगे इस माहौल को लेके कैमरे के सामने, ऐसा काम है जब इसमें एंट्री करते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई पार्ट है जो लाइब्रेरी है, एक चंडीगढ़ मिनी चंडीगढ़ इसको बोला जाता है उजाना गांव को सर, इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, तो आप इस पे संज्ञान लेंगे? सभी जो सभी साथी बाहर से आने की चाह रहे हैं, जो मतलब मूर्ति स्थापित करने के लिए या उनको रोकने के लिए, सबसे यही अनुरोध रहेगा कि वो यहाँ पे ना आए, और गांव का समाधान हो गया, सत्य बिरादरी का भाईचारा बना है और बना रहेगा, और पहले भी था, ये थोड़ा मीडिया में चला है भाई ऐसे हो गया चुमारों के साथ जाटों की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सत्य बिरादरी का भाईचारा था, है और रहेगा, और हम इनका फुल सपोर्ट से करेंगे, और सभी भाइयों से अनुरोध है कोई गाँव में ना आए, इसका बिल्कुल समाधान हो चुके हैं, इस टाइम हम पहुंचे थे भाई, 27 तारीख है, रात का टाइम है, गांव उजाना पहुंचे थे, जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति को लेकर जो विवाद चला हुआ था उसको लेकर, और यहां पे एक पंचायत रखी गई है, और
कहते कर जो पंचायत रखी कर भाई योड़ा भगवान उतर जा रहा है, भगवान भाई गलत फैसला नहीं ले करता, तो जो यह पंचायत हुई है उजाना गांव में यहाँ पे फैसला लिया गया भाई जो छत्तीस बरादरी का भाईचारा है वो बनाया रहेगा और जो ऐसी समाज के लोग हैं उनको भाई शोक कराया जाएगा जैसी भी जो प्रक्रिया होगी सरकार के खिलाफ मूर्ति को लेके भाई जो पूरा गाँव राम है वो पूरा शोक करेगा। और मैं आपको एक खास बात बता दी, यू गांव उजाना गांव ऐसा गांव है आप इसने मिनी चंडीगढ़ कह सका भाई साहब, जब आप इस गांव में एंट्री करोगे तो ऐसी फील आओगी जिन्होंने भाई चंडीगढ़ में एंट्री कर ली। और जो लाइब्रेरी है उड़ेगी ऐसी लाइब्रेरी है जिन्होंने लागा जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई पार्ट है मतलब, और कदे इस गाँव का भाई मामना रोड़ा कदे सुना ही को नहीं था, कुछ शरारती तत्वों द्वारा यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन गांव के सरपंच और जो गांव के जो यहाँ के लोग हैं बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बड़े प्यार से सुझाव से जो ये मसला है वो हल कर दिया है। और आपने देखा है तस्वीरों में छत्ती बिरादरी का जो भाईचारा है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ था और जो भाईचारा वो कायम है और भाईचारा ना बनाए रखना चाहिए भाई। मैं कैमरा मैन देखो गुड़ तक घुमा दे, तो ये सारे भाई हैं इस टाइम ये स्वास्थ्य केंद्र है उजाना का गांव में, तो वहाँ पे ये जो पंचायत करी गई थी तो भाई फैसला बड़ा अच्छा लिया गया है पंचायत के द्वारा, भाई भाईचारा बनाया गया कायम किया गया है। तो भाई जो ये मामला था इसको ज़्यादा तुलना देकर इसको बस शांत करा जाए, गांव वालों ने भी यही अपील करी है और गांव के जो लोग हैं जो सरपंच है बड़े बधाई के पात्र हैं भाई। ठीक है, कैमरा मैन मनिंदर के साथ मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना, और हाँ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो ताकि लोगों के पास ये वीडियो जाए और जो बाहर आने वाले लोग थे वो ना आ पाए, क्योंकि जो माहौल है गांव उजाना का वो बहुत ही शांतिप्रिय हो चुका है, जैसे पहला था हंसदा बसदा उजाना और सबका प्यारा वो उजाना फिर से वो उसी पटरी पे आ गया है। तो कैमरामैन मनिंदर के साथ अंकुर ग्रोवर मैं नरवाना।